नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ 21 उस क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उसका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसका जन्म सन 1911 ईस्वी सन, निधन सन 1987 ईस्वी सन। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उसका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा यानी कि कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से 1915 तक का सारा समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की यानी कि उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्होंने जेलवास यानी के कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत नाम का अखबार का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में यानी कि विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में उसने काम किया। अज्ञेय जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी उसका उपनाम है अज्ञेय जी। ये अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे। विद्रोह उसके साहित्य के मूल चेतना है। उसका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविताओं में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने आंगन के पार द्वार, काव्य कृति पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उसने प्रदान किया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण क्षण भर, बावराहेरी, अरे ओ करुणा प्रभा में उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उनके प्रसिद्ध उपन्यास, उसने उपन्यास लिखा है शेखर एक जीवनी। उसमें से भाग एक का थोड़ा अंश है, थोड़ा भाग है उसका अंश है शेखर एक जीवनी का। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र की खोज से लक्षित है। यह लील पर चलने वाला नहीं है। देखे सारांश पाठ का,
शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत भरा हुआ था। वह ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का भी हिमायती था। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास का अंश में संकलित है। देखे पाठ असहयोग की एक लहर आई जब अंग्रेज अपने देश में जब शासन चल रहा था, तब असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं वह बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। आगे उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो दो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे उसे पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं था, पास नहीं कि बाहर जा सके। प्राय यानी कि हमेशा दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता, बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की गलों की समवेत पुकार उसकी तक पहुंचती, दूर दूर खिड़की से लोगों की आवाज सुनाई देती थी। क्या सुनाई देती थी? गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। एक लोग बोलते थे गांधी का बोलबाला, तो दूसरे लोग उसको जिलते थे दुश्मन का मुंह हो काला। तब उसके प्राण, शेखर का प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी की बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। उसने आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, परवानगी नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश यानी कि नियंत्रण था जो उसको निरंतर हमेशा के लिए उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। आगे माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। एक दिन की बात है, शेखर की माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी, कोठे यानी के ऊपर उपला जो मजला हुआ था, घर का ऊपर का जो मजला है उसके कोठे बोलते हैं। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे यानी के इकट्ठे किए और नीचे खुली जगह में ये सब कपड़े का ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उस पर मिट्टी का तेल उंडेला। मिट्टी का तेल यानी कि जो घास तेल बोलते हैं, केरोसिन बोलते हैं, उस पर डाला। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं और उसने ये ढेर पर आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल खोल गाने लगा, गांधी की बोल बाला, दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़े ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर का गाल भी मानो विदेशी हो गए, लाल लाल हो गए। उसने माँ ने इतने तमाशे लगा दिए कि उसका गाल लाल लाल हो गया, विदेशी हो गए, और उसका गाल जलने लगा। फिर
ढेर राख, उसका जो विदेशी कपड़े थे वो ढेर था, वो राख हो गया था। शेखर के मन में विदेश मात्र के प्रति नफरत या घृणा थी, घृणा यानी कि नफरत थी, नफरत हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह उसने देखने लगा, उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। यह भी कि वह शैशव से यानी कि बाल्यावस्था से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर वह हिंदी कभी सीख रहा है। उसने पहली आया यानी कि जो बच्चों को पाल जब माँ को फुर्सत नहीं मिलती थी, वो बच्चों को रखने के लिए एक स्त्री रखता है, उसको आया बोला जाती है। उसकी पहली आया ईसाई थी यानी कि क्रिश्चियन थी और अंग्रेजी में ही बोलती थी। उसका पहला गुरु वही थी जिसके साथ उसने दिन भर बिताना होता था, ईसाई आया के साथ। एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाना चाहे कुछ नहीं, उसका जो पढ़ाने वाला जो पहला गुरु था वो एक अमेरिकन मिशनरी था। आगे दिन भर अंग्रेजी शिक्षा देता था। लेखक ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो हम सबसे पहले सीखे, तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसने आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, उसने जिसमें मैं घृणी समझता हूँ, अपराधी समझता हूँ, उस विदेशी माँ को कहने, विदेशी को माँ कहने को बाध्य न बाध्य हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से अंग्रेजी छोड़कर हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया, शुरुआत की आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में भी अंग्रेजी शब्द निकालने लगे। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। अस्तु, जय हिंद।